So hello and welcome people, this is your anchor Anjaneyasaro and you guys are watching me Starlet Entertainment and I am back here again with another interesting update from the world of television. खबर है जुनूनियत को लेके, जैसा कि हमने आप सभी को बता रखा है कि जुनूनियत जो है वो ऑफ एयर जाने वाला है। 2 नवंबर को लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा कलर्स टीवी पे। पिछले साल बिग बॉस खत्म होने के बाद, बिग बॉस का सीजन 16 खत्म होने के बाद बिग बॉस को रिप्लेस किया था जुनूनियत ने, जहां पे अंकित गुप्ता, गौतम वेग और नेहा राणा थे मुख्य किरदार में। जबकि अभी जब शो के ऑफ एयर जाने की खबर आई है तो सबके अपने अपने रिएक्शन आ रहे हैं। उसी में अंकित गुप्ता ने बताया कि किस हिसाब से उनके लिए जो है ये कितनी शॉकिंग न्यूज़ थी कि शो जो है ऑफ एयर जाने वाला है। उनका बताना था शो जो है वो चैनल के टॉप 5 शोज में से एक है फिलहाल के लिए, और जिस हिसाब से अभी जो रोमांटिक ड्रामा चल रहा है वो काफ़ी एक्साइटिंग, और इस मेन मोमेंट पे इसको पुल ऑफ कर लेना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है चैनल के लिए, उनके लिए और पूरे के पूरे प्रोडक्शन के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो भी सारी चीज़ें चल रही थी अभी शो में बहुत ही इम्प्रूव किया था शो ने, TRP रेटिंग्स के हिसाब से बहुत सारा फ़ायदा हुआ था अभी पहले के मुकाबले, और सारे लोग अच्छा काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इस मोमेंट पे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इसके बाद आने वाले कौन से प्रोजेक्ट में साथ में दिखाई देंगे अंकित गुप्ता जुनूनियत के बाद, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि फैंस जो हैं इस बात को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता जो कि उड़ारिया में एक साथ देखने को मिले थे फिर बिग बॉस के सीजन 16 में, वो वापस से किसी एक प्रोजेक्ट में साथ में दिखाई दें। अब लेट्स सी क्या कुछ होता है, आप कितने एक्साइटेड हैं उन दोनों को एक साथ वापस से देखने के लिए, साथ ही आप कितना मिस करने वाले हैं जहान के किरदार को जो कि जुनूनियत से अंकित गुप्ता प्ले किया करते थे। हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।